मुरादाबाद के ग्रीन मिडोज स्कूल के सातवीं कक्षा के छात्र प्रशस्त पांडे का मॉडल राष्ट्रीय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के लिए चयनित हुआ है। इससे पहले 2021 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी में प्रोजेक्ट जिला स्तर पर चयनित हुआ था। वहीं मंडल स्तर पर लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भी प्रशस्त पांडे का मॉडल चुना गया था। इस मॉडल को अब राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। इस मॉडल के द्वारा वॉशिंग मशीन से निकलने वाले अशुद्ध जल, जिससे प्रयुक्त डिटर्जेंट भी उपस्थित रहता है, उसका प्रतिकीकरण किया जाता है। साथ ही इस मॉडल में 95% तक का शुद्ध जल प्राप्त किया जा सकता है। प्रोजेक्ट इंस्पायर अवार्ड मानक में नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हुआ है। इससे पहले मेरा प्रोजेक्ट मंडल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए सिलेक्ट हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑनलाइन मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ था और मंडल लेवल के लिए मेरा प्रोजेक्ट जीजी हिंदू इंटर कॉलेज मुरादाबाद में प्रदर्शित हुआ, जहां पर मेरा प्रोजेक्ट स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट हुआ। अच्छा, आपका वर्तमान में कहां के लिए सिलेक्ट हुआ है? वर्तमान में मेरा प्रोजेक्ट नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हो गया। स्टेट लेवल में मैंने अपना प्रोजेक्ट लखनऊ कॉलेजिएट कॉलेज में प्रदर्शित करा। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट क्या करते हैं उसमें आप? मेरा प्रोजेक्ट का शीर्षक है रिमूवल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट। इसमें क्या करते हैं आप? इसमें वॉशिंग मशीन का हम जो यूज्ड वाटर ड्रेन कर देते हैं, वो जब वाटर बॉडीज तक पहुंचता है नालियों से होते हो, तो वहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स उसके अंदर रह रहे हैं, उनके लिए वाटर हार्मफुल होता है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करा है। इसमें हमने दो तरह के फिल्ट्रेशन को यूज़ करे हैं, बैक फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सबसे पहले हमने इस गंदे वाटर को, सर्फ वाले वाटर को, हमने बैक फिल्ट्रेशन से गुजारा है, जहाँ पर ये 60% तक प्योर हो जाता है और बैक फिल्ट्रेशन की पावर 5-10 माइक्रॉन्स तक की है। इसके बाद ये वाटर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में गया है, जहाँ पर ये 95% तक वायरस फ्री हो गया। और यानी कि जो पानी है उसको 95% तक आप शुद्ध कर देते हैं जी, वॉशिंग मशीन के पानी को जी, जिससे ये वाटर एक्वेटिक एनिमल्स और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके लिए वाटर हार्मफुल नहीं होता। वहीं प्रशस्त ने इस मॉडल को अपनी विज्ञान शिक्षिका अवनी रस्तोगी के मार्गदर्शन में तैयार किया है। प्रोजेक्ट आया था कि जो ड्रेनेज होता है वॉशिंग मशीन का, तो वो वाटर बॉडीज में जाकर वहाँ पर वाटर पॉल्यूशन बहुत कॉज करता है और जो एक्वाटिक प्लांट और एनिमल होते हैं उन्हें हार्म देता है। तो इनके सॉल्यूशन के लिए फिर इन्हें बताया गया कि इस पानी को अगर हम पहले ही प्योरीफाई कर दिया जाए, उसको फिल्ट्रेट कर दिया जाए, तो हम इस आगे जो ये नुकसान होता है उसको रोका जा सकता है। तो बैक फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हमने इसको स्टॉप करा। साथ ही पीटीएस में अभियोजन अधिकारी के पद पर तैनात प्रशस्त पांडे की मां प्राची मिश्रा भी अपने बेटे का प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पर चयन होने पर काफी खुश और उत्साहित है।